आज रेडियस सर्वर हम करेंगे इंशाल्लाह। चलो दे ही देते हैं इसको। नेटवर्क में मैंने वहाँ पे सर्वर 2003 चला रहा हूँ, और इसके अलावा रेड हैट लिनक्स चल रही है उसके ऊपर मैंने फाइल सर्वर क्रिएट किया हुआ है। पहले नेट की सर्विसेज भी उससे चल रही थी, अभी फाइल सर्वर के तौर पे उसको यूज़ कर रहा हूँ। सांबा चल रहा है वहाँ पे, उसके अंदर मैंने एक जी ड्राइव बनाई हुई है जैसे आप बता रहे थे, तो तमाम यूज़र्स के लिए जिसने एक दूसरे को फाइल कोई डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो उसमें रख देता है, दूसरा उसी लोकेशन से जाके ओपन कर लेता है उसको। तो उसमें फुल राइट्स दी हुई हैं, जो मर्जी डिलीट करें जैसे मर्जी करें, कोई हेडेक नहीं है। सांबा के अंदर यूज़र को फुल प्रिविलेज दी हुई है इसमें। और बाकी एक ये DNS 3.0 चल रहा है, ये भी एक उनको फैसिलिटी दी है, अगर आप वो अपने कंप्यूटर का बैकअप लेके रखना चाहते हैं इसके अंदर फॉर द टाइम बिंग तो वो रख सकते हैं परमानेंटली, या इस ड्राइव के अंदर ही बैठ के वो काम करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं इसके अंदर। और या फिर FTP के ज़रिए वो बाहर से कोई इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो भी FTP के ज़रिए कर सकते हैं इसको। बाकी इसके अलावा PFSense मैंने इंटीग्रेट किया हुआ डोमेन के साथ, वो चल रहा है मेरा। और हाँ जी कर लेते हैं। बेसिकली ये जो डिवाइसेस होती हैं ना इसके अंदर भी सांबा सर्वर ही यूज़ हुआ है, SMB यूज़ हुआ है इसके अंदर भी। ये एप्पल को भी सपोर्ट करती है, SMB को भी करती है, यूनिक्स वगैरह को भी करती है, मल्टीपल इसके अंदर शेयर्स आप अवेल कर सकते हैं। ये बेसिकली लिनक्स के अंदर लोकल एरिया के अंदर फाइल को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक पर्पज़ इसका ये है। दूसरा पर्पज़ इसका ये भी है कि अगर आप चाहते हैं जी मैं लिनक्स की डोमेन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर फिर यूज़र का जो कंट्रोल है या जो आपका विंडोज़ के अंदर यूज़र यानी कि लॉगिन एंड पासवर्ड का जो प्रोसीजर होता है वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। हर यूज़र के लिए अलग-अलग प्रोफाइल बना सकते हैं, यानी आपके क्लाइंट XP वाली मशीन है और आपने डोमेन बनाई हुई है इंटीग्रेट उसमें लिनक्स के अंदर, तो उसके अंदर डोमेन बनाने के लिए भी ये सांबा यूज़ होता है इसमें। लेकिन अब लिनक्स की डोमेन और विंडोज़ की डोमेन के अंदर एक चीज़ बहुत कह लें कि डिफरेंट है। जो विंडोज़ की डोमेन है वो आपको एक GPU पॉलिसी देती है, ग्रुप पॉलिसी, ये लिनक्स के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उसके अंदर, बाकी हर तरह की फैसिलिटी है उसके अंदर आपके पास, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो विंडोज़ की डोमेन के बेनिफिट ज़्यादा हैं, ग्रुप पॉलिसी के अंदर कुछ भी आप पॉलिसी लगा सकते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, उसको मैनेज करना आसान है। तो लिनक्स के अंदर ये चीज़ नहीं है। अच्छा नहीं यार, अच्छा जी सबसे पहले हमें हॉटस्पॉट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर करेंगे उसके साथ अटैच करेंगे। सर यहां से हम कैसे चला कि लैन
मुझे आदत हो गई, मैंने केबल इस पे लगाई हुई है। अच्छा, लैन का पता चल जाता है, लैन का पता ऐसे चलता है कि ट्रैफिक आपको आ रही होती है अच्छा जा रही वो है। एस वो एसएमटीपी चल रहा होता है, हाँ नहीं एसएमटीपी नहीं नहीं, एसएमटीपी नहीं, वो जो होता है आईसीएमटी। हाँ जी आईसीएमपी चल रहा होता है जो मैक एड्रेस के ऊपर चलता है, जी इस पे जी वो चल रहा था, उससे पता चलता है ट्रैफिक आ रही है, तो सही इट्स मीन यही लैन से कनेक्टेड सही होगा। बाकी वैन वन का मुझे पड़ा है, इसके ऊपर मेरी केबल लगी हुई है। अच्छा तो एड्रेसेस ले लेते हैं हम। ये भी बड़ी कहानी है, लोगों को नहीं पता चलता यार, ये पता नहीं ये लैन किसको बनाना है, वैन किसको बनाना है। तो मैं सीधा सीधा बता, जिसके ऊपर आपकी ट्रैफिक आ रही है जी फिजिकल एड्रेस के थ्रू, आप उसको लैन बना लें, जी वही आपका इंटरफेस कनेक्टेड है उससे। अच्छा जी डीएसपी भी बना लें, एक दफ़ा इसको कॉन्फ़िगर कर लें हम। कुकीज़ वाला हम डिसेबल कर देते हैं इसका मैकेनिज्म, इसको एक दो बार टेस्ट कर लेते हैं ये वर्किंग में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा आईपी रिजॉल्व करवा लें। ठीक, वो यूज़र भी कर लेते हैं। ये यूज़र आ गया, लॉगिन हो गया। अब हम रेडियस सर्वर देखते हैं कैसे कन्फिगर करना हमने। ये रेडियस की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे प्लस का बटन ऐड करवाने के लिए। अभी आप किस कौन सी सर्विसेज के ऊपर आप रेडियस कन्फिगर करना चाहते हैं। मैंने अभी हॉटस्पॉट बनाया है, हॉटस्पॉट के ऊपर मैं कन्फिगर कर सकता हूँ। पीपीओ करेंगे, पीपीओ को हम टिक मार्क लगा लेंगे, चेक अनेबल कर लेंगे, यानी जिसके ऊपर आपने अनेबल करेंगे उसका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अभी मैंने हॉटस्पॉट के साथ कर रहा हूँ सिर्फ ओनली, ठीक है। जी पीपीपी क्या करेगा वो? जो डायल अप वाला हम सर्वर बनाएंगे ना ठीक है उसके साथ भी ये इंटीग्रेट कर लेगा रेडियस, सही उसकी भी अकाउंटिंग वगैरह करेगा। अच्छा हॉटस्पॉट अभी सर्वर बनाया है, हॉटस्पॉट के साथ हम इनेबल करेंगे। यहाँ पे इसका लूप का आईपी आपने देना 127.0, डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन जी बिल्कुल ठीक है। और सीक्रेट की आप कुछ भी लगाते हैं, मैं 123 फीडबैक तभी लगा सर रहा ये हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे एड्रेस, ये 127 ये दे रहे हैं ये इस सर्वर का मैं आईपी बता रहा हूँ इसको, जो इंटरनली ये यूज़ इंटरनल कर, जो इसको ये इंटरनली यूज़ करेंगे। यूज़ कर रही है, ठीक है ठीक है। अच्छा अप्लाई करें और ओके करें, इनकमिंग रिक्वेस्ट आप इसके अंदर एक्सेप्ट कर लें, ये उसकी पोर्ट है। इतना करने के बाद इसका कुछ हिस्सा रेडियस के हॉटस्पॉट के अंदर भी है, हॉटस्पॉट को क्लिक करना है आपने और सर्वर प्रोफाइल के अंदर जाकर यहाँ पर ये रेडियस नाम की ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ पर सिर्फ चेक अनेबल करना है, अप्लाई एंड ओके। अब ये रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेशन यानी कि हो जाएगी इसकी हॉटस्पॉट के साथ। अब इसको एक्सेस कैसे करना है हमने, तो इसको एक्सेस करने के दो मेथड हैं, या तो आपकी जो लैन पोर्ट है उसके आईपी से एक्सेस करेंगे, या इसकी जो वैन पोर्ट है उसके आईपी से एक्सेस करेंगे। लैन पोर्ट से ये कोई बग है इसके अंदर ये एक्सेस नहीं होता, वैन पोर्ट से ये एक्सेस होता है। अभी मुझे पहले ये चेक करना है कि मेरी वैन पोर्ट को इस पर क्या आईपी मिला हुआ है, 15.6 मिला हुआ है, मैंने इसके ज़रिए इसको एक्सेस करूँगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 15.6 6 और इसके आगे स्लैश लगाकर।